बार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, स्टेट अभ्यर्थी जो एग्जाम दे दिए थे लगातार वेट कर रहे थे कि आंसर की कब तक जारी किया जाएगा, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ऑफिशियल नोटिस है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। और एक बात मैं बता दूं, जो भी स्टेट वाले विद्यार्थी, यदि कहीं भी आपको लगे कि ये आंसर गलत है तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, और उसका समय सीमा दिया गया है, उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे 250/2024 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 प्रथम के, यानी यह पहला स्टेट है, इसके बाद साल में दो बार लेने हैं, दूसरा स्टेट भी बहुत जल्द आएगा। पहला स्टेट यानी प्रथम स्टेट के संबंध में और आवश्यक सूचना है, इसमें आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार का आपको लगे कि कहीं प्रश्न में डाउट है। देखिएगा क्या है, एदत द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 प्रथम में सम्मिलित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2024 का रिस्पॉन्स शीट यानी उत्तर आंसर की समिति के वेबसाइट इतना इतना पर अपलोड एवं उत्तर कुंजी यानी कि उस उत्तर प्रश्न पुस्तिका पर जो कुंजी जारी किया जा रहा है, आंसर की जारी किया जा रहा है, उत्तर में आपको कहीं भी डाउट लगे किसी भी प्रश्न में तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि, समय और तिथि बताया गया है 12/7/2024 के अपराह्न से 15/7/2024 यानी आज अपलोड होगा, और आप इस पर अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 12/7/2024 के अपराह्न से 15/7/2024 तक, यानी 15 तारीख तक आपको लगे कि कोई आंसर आपका गलत है तो आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पेपर वन वाले विद्यार्थी यानी आज से लेकर शाम से लेकर 15 तारीख तक आप आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं, सब कुछ आपके समक्ष होगा अपराह्न से। पेपर टू वाले देखेंगे 17 तारीख से, यानी कि 17 तारीख से, 15 के बाद 17 तारीख से आपका 17/7/2024 के अपराह्न से 20/7/2024 तक आपका सब कुछ रहेगा, आप अपना आंसर की मिला लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप भी पेपर टू वाले 17/7/2024 के अपराह्न से 20/7/2024 तक आप आपत्ति कर सकते हैं। पिछला बार गलत उत्तर के लिए 50 रुपया लिया जा रहा था, क्या इस बार भी लिया जाएगा, ध्यानपूर्वक सोचिए। देखिए, उक्त यदि उत्तर में अगर किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो संबंधित अभ्यर्थी समिति के उक्त वेबसाइट पर दिए गए, जहां भी वेबसाइट पर, अब स्टेट के वेबसाइट पर जाइएगा और वहां पे जहां भी लिखा होगा क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन स्टेट, जहां भी लिखा होगा क्लिक हियर ऑब्जेक्शन फॉर स्टेट 2024, उस पर आप क्लिक करेंगे और अवधि में, जो अवधि आपका है पेपर वन वाले 12 से लेकर 15 तारीख तक, पेपर टू वाले 17 से लेकर 20 तारीख तक, उस पर क्लिक करेंगे और उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न 50 रुपया निर्धारित शुल्क डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा। आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे निर्धारित अवधि के बाद, या अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से, सचिव से, सभी से विनती है, गलती आप करें, क्वेश्चन का आंसर गलत आप दें, विद्यार्थी 50 रुपया दे, ये कहां का नियम है। जब विद्यार्थी एक बार फी दे दिए हैं, एग्जामिनेशन फी दे दिए, तो उसी में आप ऐसा क्यों ना सुधार करते हैं। पिछला बार आपके द्वारा 50-50 क्वेश्चन गलत दिया गया और एक विद्यार्थी कितना रुपया देगा, वही मामला अभी कोर्ट में भी चल रहा है, उससे थोड़ा सा आपको संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ा सा भी सोचना चाहिए कि गरीब स्टूडेंट से आप 5 प्रश्न अगर गलत दे दिए तो 250 रुपया कैसे आप वसूल करेंगे, थोड़ा सा विचार कीजिए। और इस विधि को हटा देते, 50 रुपया जो है 1 रुपया कर देते या 2 रुपया कर देते, ये सही रहता। बहुत सारे लोग इस पर कहेंगे कि सब लोग तब 150 के 150 कर देंगे, ऐसा नहीं है, जो गलत करेगा उस पर आप संज्ञान लीजिए, लेकिन ये पैसा वाला मामला हटा दीजिए। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर कि 12/7/2024 से 15/7/2024 तक, आपत्ति भी 12 से लेकर 15 तक कर सकते हैं, पेपर टू वाले 17 से लेकर 20 तक कर सकते हैं। और यहां पे देखिए, समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं उत्तर को लेकर, क्या नहीं कि ये तो हो गया आंसर की वगैरह सब कुछ,
आपका रिजल्ट कब तक आएगा? मैं क्या बताया था कि प्रथम सप्ताह से लेकर 15 तारीख के बीच तक, तो 15 तारीख के बीच तक आपका रिजल्ट, 20 तक लास्ट रिजल्ट हो जाएगा। अगला आपसे देखिएगा, अगला या तो 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट हो जाएगा, लास्ट लास्ट तक भी रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि TRE4 का संज्ञान लिया जा रहा है जिसके कारण से इसमें तेजी लाया जा रहा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कहेंगे कि बिहार स्पेशल जो स्टेट हुआ था वह 4 मंथ हो गया, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, बहुत जल्द उसका भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, तो इसलिए वो विद्यार्थी भी शांतचित रहें, सबका रिजल्ट आएगा। मैं आपसे उस दिन भी बताया था कि 15 तारीख तक रिजल्ट सब घोषित कर दिया जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट घोषित हो जाएगा, सॉरी आंसर की रिजल्ट जो है आपका लास्ट जुलाई तक या अगस्त का प्रथम वीक में घोषित कर दिया जाएगा। मैक्सिमम प्रयास है कि लास्ट जुलाई तक ही रिजल्ट आपका घोषित हो, ताकि TRE4 का इधर सुगमगाहट तेज हो चुका है। तो जो भी एग्जाम टूर पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर